आज मैं आपको एक ऐसे साइड इनकम का मेथड बताऊंगी जिससे आप 30 से 50 हज़ार पर मंथ आराम से अर्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन से शुरू कर सकते हो और इसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जा सकते हो और आपको कहीं भी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो इंट्रोवर्ट, ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्टडी को डिस्टर्ब किए इस मेथड से आप अच्छी अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे ट्रिक भी बताऊंगी जिससे बिना स्किल के भी आप इस काम को कर सकते हो। सो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ऐसे और भी अर्निंग एंड करियर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है घोस्ट राइटिंग। अब आप ये सोचिए कि ये घोस्ट राइटिंग क्या होता है, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज घोस्ट राइटिंग। सो घोस्ट राइटिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो भी कंटेंट आप लिखते हो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। और इसमें आपको बहुत कम रिसर्च करनी होती है क्योंकि जिसके लिए भी आप घोस्ट राइटिंग कर रहे हो वो क्लाइंट आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको अपनी राइटिंग स्किल दिखानी होती है, उसको उस कॉन्टेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आप सोचें कि घोस्ट राइटर्स कहाँ कहाँ काम करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, फिल्म इंडस्ट्री से लेके लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक हर जगह घोस्ट राइटर्स एक्टिव है। सो कोई भी घोस्ट राइटर बन सकता है। यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस और डिग्री, यू कैन स्टार्ट विद जीरो एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से बताऊंगी कि कैसे आप घोस्ट राइटिंग एज अ फ्रीलांस वर्क कर सकते हो। टोटल 5 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 इज बिल्ड अ पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपको अपने कंटेंट राइटिंग का पोर्टफोलियो बनाना होता है। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है जिसमें आप अपने काम और अचीवमेंट को शोकेस करते हो, जो आपके स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और इसके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रेगुलरली पोस्ट लिखते रह सकते हो या फिर आप medium.com पे अपना अकाउंट बना सकते हो, वहाँ भी पोस्ट लिख सकते हो, जो भी आपका जॉनरा हो। एक और बात मैं आपको बताऊँ, आप अपने पोर्टफोलियो को मोनेटाइज भी कर सकते हो, इससे भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो बनाने के बाद जब भी कोई क्लाइंट आपको रीच आउट करेगा तो आप पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि क्लाइंट कैसे ढूंढे। सो स्टेप नंबर 2 इज फाइंड क्लाइंट्स। वैसे तो कई सारे तरीके हैं जिससे आप क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो, आपका खुद का पर्सनल कोई तरीका हो सकता है, बट मार्केट में जो पॉपुलर है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कुछ फ्रीलांस वेबसाइट्स होती है जैसे कि फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, सॉलिड गिग्स, किकस्टर्स, इन पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और इन वेबसाइट के थ्रू आप क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो। या फिर कुछ सोशल मीडिया भी है जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पे आप अपने स्किल्स एंड सर्विसेज को मेंशन करके नेटवर्किंग बना सकते हो। तो तरीके कई सारे हैं क्लाइंट्स को फाइंड करने का, बट इनिशियल प्रोजेक्ट्स के लिए लो चार्ज करो और अच्छा काम करो जिससे आपको अच्छी रेटिंग और रिव्यूज मिल सके। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है सेट योर रेट्स। सो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओ उसके बाद अपने रेट्स को सेट करो। इनिशियल पीरियड पे लो चार्ज करना आपके लिए बेटर रहता है। सो बेसिकली एक घोस्ट राइटर्स आवरली या फिर पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे चार्ज करते हैं, तो मार्केट को रिसर्च करो एंड देन उसके बाद अपने चार्ज को अकॉर्डिंगली सेट करो। इसके बाद स्टेप नंबर 4 है डिलीवर क्वालिटी वर्क। सो हमेशा क्वालिटी वर्क ही डिलीवर करो और डेडलाइन का हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पे क्लाइंट को खुश रखना ज़रूरी होता है ताकि वो फिर से आपको ही अप्रोच करें एंड आपके बारे में दूसरों को भी बताएं। सो क्वालिटी वर्क को डिलीवर करना है, डेडलाइन का ध्यान रखना। 5th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। राइटिंग के फील्ड में आपको हमेशा सीखते रहना होगा। न्यू ट्रेंड एंड न्यू स्टाइल के साथ आपको अपडेट रहना होगा। जितना आप सीखोगे उतना आपका काम इम्प्रूव होगा और आप हाई पेइंग क्लाइंट को अप्रोच कर पाओगे या हाई पेइंग क्लाइंट आपसे अट्रैक्ट होंगे। अगर आपकी राइटिंग स्किल एंड इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तब भी आप घोस्ट राइटिंग शुरू कर सकते हो। टाइम के साथ साथ आप अपनी राइटिंग स्किल को और इम्प्रूव कर पाओगे, लेकिन अभी कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए क्या ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो ChatGPT का यूज़ हम सब करते हैं, राइट, स्पेशली कॉन्टेंट राइटर्स। बट आज की डेट में आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो आपके सारे आर्टिकल को AI डिटेक्टर में चेक करते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि ये कंटेंट AI जनरेटेड कंटेंट है। तो इससे बचने के लिए बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। सबसे पहले ChatGPT से अपना सारा कंटेंट, सारा डाटा कॉपी करो और उसे किसी बढ़िया से पैराफ्रेसिंग टूल में पेस्ट कर दो और अच्छे रिजल्ट के लिए आप 2 या 3 बार पैराफ्रेस कर सकते हो। इससे ChatGPT डिटेक्टर में आपका डाटा 100% तक ह्यूमन रिटन दिखा सकता है।
अब अगर आप चाहते हो कि मैं पैराफ्रेज से रिलेटेड भी कोई वीडियो लेके आऊँ, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं। ऐसे और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अगर और भी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में पता चलेगा जिससे आप कॉलेज डेज में साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। सो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। I'm taking care.